एक दिन छत्रपति संभाजी राजा ने सरलश्कर हंबीरराव मोहिते को पूछा, मामा साहब स्वराज का घाट तैयार करने का है, पर औरंगजेब का ही थाट उतरना चाहिए, जगह ढूंढ लो ऐसे मौका देने वाली। और हंबीरराव ने जगह ढूंढ ली, बिल्कुल मौका देने वाली। राजा यह जगह है बुरहानपुरा। बुरहानपुरा यानी औरंगजेब की दखन की राजधानी। एक सुंदर स्त्री के गाल पर काला तीर सुशोभित दिखता है, ऐसा बुरहानपुरा खूबसूरत है। ऐश्वर्य संपत्ति सामर्थ्य अफाट। और उसी वक्त गर्ज उठा छावा संभाजी राजा, डालो छापा उस बुरहानपुरा पर, बनाओ उसका कोयला। और निकले मराठे, बुरहानपुरा पूरा का पूरा धो डाला। अरे बुरहानपुरा यानी औरंगजेब का संवेदनशील कलेजा, पर चकनाचूर कर दिया मराठों ने। पहला धक्का सहते ने सहते संभाजी राजा ने दूसरा धक्का दिया, औरंगाबाद। औरंगजेब के नाम से बसा हुआ औरंगाबाद। संभाजी राजा ने उसी पे हाथ डाला, इतना लूटा इतना धो डाला कि औरंगजेब के नाम के सिवा वहां कुछ रखा ही नहीं। किसी एक गुलशन की सुंदरता आंखों में समाए, आंखें बंद करे और फिर से खोल के देखे तो स्मशान घाट दिखे, ऐसी अवस्था औरंगाबाद की बनाई। औरंगजेब तरस उठा, चिल्लाया, भयंकर गुस्से से लाल हुआ। पर उसी समय उसे तीसरा धक्का बैठा, उसका खुद का लड़का शहजादा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध हो उठा और वो सीधा आया महाराष्ट्र में संभाजी राजा के पास, क्योंकि उसको मालूम था इस पूरे 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 हिंदुस्तान में औरंगजेब को टक्कर देने वाला ऐसा एक ही मर्द राजा है, छत्रपति संभाजी। वो आया सीधा राजा संभाजी की तरफ। औरंगजेब को दूसरा कोई झुका नहीं सकता, औरंगजेब को दूसरा कोई मिटा नहीं सकता, औरंगजेब को दूसरा कोई मिट्टी में गाड़ नहीं सकता, सिर्फ एक ही छत्रपति संभाजी महाराज। और संभाजी राजा इसी अकबर को हाथ में लेकर राजनीति की चाल चलने लगे। पर लगातार तीन धक्के खाने वाला औरंगजेब खौल उठा, एकाएक मधुमक्खियां उड़ जाए इस तरह वो पागल हो गया और उठाए कदम उसने हिंदवी स्वराज पर। औरंगजेब का साम्राज्य यानी आशिया खंड का सबसे बड़ा साम्राज्य और संभाजी का स्वराज यानी आशिया खंड का सबसे छोटा साम्राज्य। लाखों सैन्य मुट्ठी भर मराठों को कुचलने चले। औरंगजेब की सिर्फ सरदारों की संख्या 14,500 थी, कई रिश्तेदार, शहजादे, अफाट अफाट सेनापति, 4,00,000 सैन्य, 14 करोड़ का खजीना, 40,000 हाथी, 70,000 घोड़े, 35,000 ऊंट। महाराष्ट्र पर काले घने बादल छाए। औरंगजेब ने लगातार सैन्य भेजे, सरफलन खान, आले खान, फतेह खान, शहजादा आजम, बेगतार बख्त, मुआजम, शाहबुद्दीन खान, बहादुर खान, एक एक नामचीन सेनापति, अफाट अफाट सेना सागर आया महाराष्ट्र पर चल के। और सह्याद्री की चोटियों पर से गर्ज उठा 23 बरस का छावा शंभू राजा, आ औरंगजेब तुझे मेरे ही हाथों में मरना है, आखिर तुझे तेरे मौत की जगह मिल गई यहाँ। रौद्र रूप धारण किए हुए शंभू राजा के आंखों में अंगारे निकलने लगे।